नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी के बांदा जेल में शिफ्ट किया गया है, उसके ऊपर लगातार जो मुश्किलें हैं वो पड़ती नजर आ रही हैं। बात करें तो जब से बांदा जेल में मुख्तार अंसारी शिफ्ट हुआ है, वो लगातार जो है जेल की जो न्यायिक व्यवस्था है उससे गुहार लगाते नजर आ रहा है कि उससे जो है जेल मैनुअल के अनुसार हर जो सुविधा है वो मुहैया कराई जाए, क्योंकि वो 5 बार के विधायक हैं और वो जेल में बंद हैं, तो उनको जो भी प्रोसीजर के माध्यम से जो व्यवस्था होती है वो कहीं ना कहीं कराया जाए। वहीं बात करें तो मुख्तार अंसारी को काफ़ी ज़्यादा डर भी सता रहा है। जिस तरीके से विकास दुबे का मामला हुआ था, उससे पहले पंजाब के रोपड़ जेल से बांदा जेल में जब मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया जाना था, तो उस समय मुख्तार अंसारी के जो भाई अफजाल अंसारी हैं, मुख्तार अंसारी की पत्नी जो है लगातार सुप्रीम कोर्ट को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखती रही कि उनकी सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित की जाए, ताकि उनके साथ विकास दुबे जैसा कोई भी अनहोनी ना होए। बात करें तो जब से बांदा जेल में शिफ्ट हुए हैं, उसके बाद से जिस तरीके से चित्रकूट में एक मामला हुआ, जिस तरीके से जेल में ही गैंगवार शुरू हुआ, जिसमें कि मुख्तार अंसारी के जो करीबी थे वो मार दिए गए। मेराजुद्दीन और मुकीम काला, जो कि मुख्तार अंसारी के काफ़ी ज़्यादा करीबी माने जा रहे थे, उनको जेल में ही हत्या कर दिया गया। और मारने वाला अंशु दीक्षित जो था वो मुख्तार अंसारी का काफ़ी ज़्यादा पहले शार्प शूटर था। तो इस तरीके से जेल में गैंगवार होना कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के लिए एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, और इसको लेकर लगातार उनके परिजन, उनके परिवारजन, उनके भाई जो सांसद अफजाल अंसारी बहुजन समाज पार्टी के हैं, वो भी लगातार कोर्ट में और सोशल मीडिया से लेकर जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है उसमें लगातार अपनी बातों को प्रमुखता से रखते नजर आ रहे हैं। बात करें तो बांदा जेल में शिफ्टिंग के बाद लगातार जो है कोरोना के चलते मुख्तार अंसारी की जो पेशी है उसको वर्चुअल की जा रही है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग मामलों में उनकी पेशी हो रही है। और इन्हीं पेशी के बीच एक पेशी जो आजमगढ़ मामले को लेकर है, उसमें मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। बात करें तो जिस तरीके से आजमगढ़ में ठेकेदारी को लेकर दो लोगों के बीच में गैंगवार हो गया था, ठेकेदार पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें कि एक मजदूर की हत्या भी कर दी गई थी, और इस मामले को गैंगस्टर कोर्ट में रखा गया था, और यही गैंगस्टर कोर्ट में मुख्तार अंसारी की वर्चुअल पेशी थी। और इस पेशी के दौरान जो है न्यायाधीश अनिल वर्मा और रवीश कुमार ने जिस तरीके का आदेश दिया, उससे मुख्तार अंसारी का पैर तले जमीन खिसक गया और मुख्तार अंसारी जो है वो सकते में आ गया है। बात करें तो अनुज कनौजिया, जो कि मुख्तार अंसारी का राइट हैंड कहा जाता है, तो समझिए कि राइट हैंड मुख्तार अंसारी का कितना ज्यादा करीबी जो है वो अनुज कनौजिया है। तो अनुज कनौजिया को लेकर जो है कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उस फैसले से मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो और भी बढ़ती नजर आ रही हैं। बात करें तो कोर्ट ने सुनाया है कि अनुज कनौजिया की जो जमीन है उसको कुर्की कर लिया जाए और पुलिस जो है वो 50,000 का इनाम जो है वो अनुज कनौजिया पर रख दी है। और इस मामले में जो लोग 9 लोग और भी क्राइम किए हुए थे, उन पर जो है गैंगस्टर तहत के जो मुकदमा है वो दर्ज हो रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगाए कि मुख्तार अंसारी के जो दाहिना हैंड कहा जाता, राइट हैंड कहा जाता था, यानी कि अनुज कनौजिया, उसकी अब जमीन जो है वो कुर्की हो गई और उस पर पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम रख दिया है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि मुख्तार अंसारी के कितनी बड़ी मुश्किल जो है उसके सामने आ गई है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए। जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करें, और जहां पर पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। धन्यवाद।